कर्नाटका के राज्यपाल श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भारत की समुद्री ताकत के लिए बहुत बड़ा दिन है। राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा हो या फिर राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा, भारत आज बड़े अवसरों का साक्षी बन रहा है। अब से कुछ समय पहले कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकार्पण ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। और अब यहां मंगलुरु में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। ऐतिहासिक मंगलुरु पोर्ट की क्षमता के विस्तार के साथ साथ यहां रिफाइनरी और हमारे मछुआरे साथियों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए मैं कर्नाटका वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जिन पंच प्राणों की बात मैंने की है, उनमें से सबसे पहला है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो, ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आज देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम न चल रहा हो। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है,
तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी साल 2014 तक हमारे यहां जितनी पोर्ट कैपेसिटी बनाई गई थी, पिछले 8 वर्षों में उतनी ही नई जोड़ी गई है। मैंगलोर पोर्ट में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई सुविधाएं जोड़ी गई है, इससे इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ने वाला है। आज गैस और लिक्विड कार्गो के स्टोरेज से जुड़े जिन 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां किया गया है, उनसे कर्नाटका और देश का बहुत लाभ होने वाला है। इससे खाद्य तेल की, एलपीजी गैस की, बिटुमिन की इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। साथियों, अमृत काल में भारत ग्रीन ग्रोथ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब, ये नया अवसर है। यहां की रिफाइनरी में जो नई सुविधाएं आज जुड़ी हैं, वे भी हमारी इन्हीं प्राथमिकताओं को दर्शाती है। आज हमारी रिफाइनरी नदी के पानी पर निर्भर है। डीसेलिनेशन प्लांट से रिफाइनरी की नदी के पानी पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश ने प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटका को मिला है। कर्नाटका सागर माला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कर्नाटका में सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ही पिछले 8 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु मैसूर रोड हाईवे की 6 लेनिंग, बेंगलुरु से पुणे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। रेलवे में तो 2014 से पहले की तुलना में कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही
डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि देश के लोगों की ऊर्जा सही दिशा में लगे। जब लोगों की ऊर्जा मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में लगी रहेगी तो फिर इसका प्रभाव देश के विकास की गति पर भी पड़ता है। सम्मान से जीवन जीने के लिए पक्का घर, टॉयलेट, साफ पीने का पानी, बिजली और धुआं मुक्त किचन, ये आज के युग में स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं सुविधाओं पर हमारी डबल इंजन की सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। पिछले 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 6 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। साथियों, गरीब की बहुत बड़ी आवश्यकता, इलाज की सस्ती सुविधा और सामाजिक सुरक्षा होती है। जब गरीब पर संकट आता है तो पूरा परिवार और कई बार आने वाली पीढ़ियां तक मुश्किल में पड़ जाती है। गरीब को इस चिंता से आयुष्मान भारत योजना ने मुक्ति दिलाई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों को मिला है और उन्हें भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे यहां ऐसी स्थिति रही कि सिर्फ साधन संपन्न वालों को ही विकास का लाभ मिला। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे उन्हें पहली बार विकास के लाभ से जोड़ा गया है। जिनको आर्थिक दृष्टि से छोटा समझकर भुला दिया गया था, हमारी सरकार उनके साथ भी खड़ी है। छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार
देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटक के भी लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। मुद्रा योजना के माध्यम से देश भर में छोटे उद्यमियों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया गया है। कर्नाटका के भी लाखों छोटे उद्यमियों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन दिया जा चुका है। साथियों, कोस्टल बेल्ट में बसे गांव, पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे साथियों, मछली पालन से जुड़े हमारे भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां मछली पालन से जुड़े साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए जरूरी नावें, आधुनिक वेसल्स भी दिए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मिल रही सब्सिडी हो या फिर मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मछुआरों के कल्याण और आजीविका बढ़ाने के लिए पहली बार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। आज कुलई में फिशिंग हार्बर का भूमि पूजन भी हुआ है। बरसों से हमारे फिशरीज सेक्टर से जुड़े भाई बहन इसकी मांग कर रहे थे। ये जब मनकार तैयार हो जाएगा तो मछुआरों की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों मछुआरे, हमारे उन परिवारों को मदद मिलेगी, अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में क्लीन इकोनॉमी हो। आज डिजिटल पेमेंट ऐतिहासिक स्तर पर है और भीम यूपीआई जैसे हमारे इनोवेशन दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। देश के लोग आज तेज इंटरनेट चाहते हैं, सस्ता इंटरनेट चाहते हैं, देश के कोने कोने में इंटरनेट चाहते हैं। आज करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर
ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। 5G की सुविधा इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका की डबल इंजन की सरकार भी तेज गति से लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। साथियों, भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा किलोमीटर कोस्टलाइन है। देश के इस सामर्थ्य का हमें भरपूर लाभ उठाना है। यहां का करावली कोस्ट और वेस्टर्न गार्ड भी अपने टूरिज्म के लिए इतना मशहूर है। मुझे बताया गया कि हर क्रूज सीजन में न्यू मैंगलोर पोर्ट औसतन 25,000 टूरिस्टों को हैंडल करता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी होते हैं, यानी संभावनाएं बहुत है। और जिस तरह भारत में मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ रही है, भारत में क्रूज टूरिज्म की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे कुटीर उद्योग, हमारे आर्टिजन्स, ग्राम उद्योग, रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे समाज के छोटे तबके के लोगों को टूरिज्म से बहुत लाभ होता है। मुझे खुशी है कि न्यू मैंगलोर पोर्ट क्रूज टूरिज्म बढ़ाने के लिए लगातार नई सुविधाएं जोड़ रहा है। साथियों, जब कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो मैंने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी। आज देश ने इस आपदा को अवसर में बदलकर दिखा दिया है। कुछ दिनों पहले GDP के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। पिछले साल इतने ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50,00,000 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। हर चुनौती से पार पाते हुए भारत ने $418 बिलियन यानी 31,00,000 करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया। आज देश के ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी क्षमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। PLI स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। टॉयज का इंपोर्ट 3 साल में जितना घटा है, करीब करीब उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। इन सभी का लाभ सीधे सीधे देश के उन कोस्टल एरिया को भी हो रहा है जो भारतीय सामान को एक्सपोर्ट के लिए अपने संसाधन मुहैया कराते हैं, जहां मैंगलोर जैसे बड़े पोर्ट है। साथियों, सरकार के प्रयासों से देश में बीते वर्षों में कोस्टल ट्रैफिक में भी वृद्धि देखी गई है। देश के अलग अलग पोर्ट्स पर सुविधा और संसाधन बढ़ने की वजह से कोस्टल मूवमेंट अब और ज्यादा आसान हुआ है। सरकार की कोशिश है कि पोर्ट कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसमें और तेजी आए, इसलिए PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे और रोड के
250 से ज्यादा प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जो सिमलेस पॉड कनेक्टिविटी में मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, अपनी वीरता और व्यापार के लिए प्रसिद्ध यह तटीय क्षेत्र विलक्षण प्रतिभाओं से भरा हुआ है। भारत के कई उद्यमी लोग यहीं के रहने वाले हैं। भारत के कई खूबसूरत द्वीप और पहाड़ियां कर्नाटका में ही है। भारत के कई मशहूर मंदिर और तीर्थ क्षेत्र यहीं पर है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मैं रानी अबक्का और रानी चैन भैरा देवी उनको भी याद करना चाहूंगा। भारत की धरती को, भारत के कारोबार को गुलामी से बचाने के लिए उनका संघर्ष अभूतपूर्व था। आज निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे भारत के लिए ये वीर महिलाएं बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। हर घर तिरंगा अभियान को जिस प्रकार कर्नाटका के जन जन ने, हमारे युवा साथियों ने सफल बनाया, वो भी इस समृद्ध परंपरा का ही विस्तार है। कर्नाटका के करावली क्षेत्र में आकर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रीय संकल्प की इस ऊर्जा से मैं हमेशा प्रेरित महसूस करता हूं। मंगलुरु में दिख रही ये ऊर्जा ऐसे ही विकास की राह को उज्जवल बनाती रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।